भारतीय क्रिकेट टीम के युवा खिलाड़ी शुभमन का जन्म 4 सितंबर 1999 को पंजाब के पालिका जिले में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। यहाँ ये बताना अच्छा होगा कि शुभमन के पिता भी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण उनके पिता का क्रिकेटर बनने का सपना पूरा नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को एक बड़ा क्रिकेटर बनाने का सपना देखा। उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में अच्छा मौका मिला और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत ही कम समय में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बना ली। उनका बल्लेबाजी प्रदर्शन इतना अच्छा है कि उन्हें गुजरात की आईपीएल टीम में भी मौका मिला था। उनका नाम न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में है। सभी क्रिकेट प्रेमी शुभमन गिल को भविष्य का प्रसिद्ध क्रिकेटर मानते हैं। शुभमन गिल का परिवार। शुभमन के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। शुभमन, शुभमन की 2 बहनें और माता पिता। शुभमन के पिता लखविंदर सिंह गिल हैं, पंजाब के एक साधारण किसान, और माँ किरत गिल एक साधारण गृहिणी है। शुभमन की 2 बहनें हैं, एक बहन का नाम शहनील कौर गिल और दूसरी बहन का नाम सिमरन सिद्धू है। शुभमन गिल की शिक्षा एजुकेशन। शुभमन को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और वह दिन भर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। उन्हें पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। उन्होंने पंजाब के मोहाली में मानव मंगल स्मार्ट स्कूल में 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। शुभमन गिल के करियर की शुरुआत। करियर। शुभमन का क्रिकेट करियर बहुत ही कम उम्र में शुरू हो गया था। जब शुभमन सिर्फ 4 साल के एक बच्चा थे, तब उनके पिता ने उन्हें मोहाली के एक क्रिकेट कोचिंग सेंटर में भर्ती कराया। पंजाब के जिस गांव में शुभमन का जन्म हुआ, वहां क्रिकेट की अच्छी कोचिंग नहीं थी, इसलिए शुभमन के पिता शुभमन को क्रिकेट की कोचिंग देने के लिए वह गांव छोड़कर मोहाली चले गए और वहां एक किराए के मकान में रहने लगे। यहीं से उनके क्रिकेट करियर का सफर शुरू हुआ था। शुभमन गिल को पहली बार 2017 में पंजाब क्रिकेट टीम के लिए खेलने का मौका मिला, जब वह केवल 18 साल के थे, लेकिन इस गेम में वह अच्छा स्कोर नहीं कर सके। उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए। इस मैच के कप्तान हरभजन सिंह थे। ये मैच विजय हरारे ट्रॉफी का मैच था और ये मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में खेला गया था। 2017 के अंत में शुभमन गिल को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए पहली बार अंडर 19 टीम के लिए चुना गया और उन्होंने अपने क्रिकेट करियर का पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला, जिसमें उन्होंने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। शुभमन गिल की करियर। शुभमन गिल ने अपना पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर 2020 को खेला था। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न स्टेडियम में खेला गया था। शुभमन गिल ने अपना पहला आईपीएल मैच 14 अप्रैल 2018 को महज 19 साल की उम्र में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के लिए खेला था। भारतीय क्रिकेट टीम में एकमात्र युवा खिलाड़ी शुभमन गिल हैं, जिन्हें 16 वनडे मैचों में 15 बार बल्लेबाजी का मौका मिला और 4 बार 100 रन बनाए। उनके उच्चतम रन 160 थे और उनका बल्लेबाजी औसत 104.45 था। उन्होंने 16 वनडे मैचों में कुल 1149 रन बनाए। शुभमन गिल की कार कलेक्शन। शुभमन गिल के पास सबसे महंगी कार रेंज रोवर एसयूवी है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में है। इसके अलावा उनके पास महिंद्रा थार है। शुभमन गिल की नेटवर्थ। शुभमन गिल की नेटवर्थ 32 करोड़ है। दाएं हाथ का ये बैटर हर महीने लगभग 66 लाख की कमाई करता है। सोशल मीडिया पर गिल की फैन फॉलोइंग लाखों में है। अगर आप भी गिल को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुभमन गिल सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखकर बड़े हुए और बचपन से ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर बनने का सपना देखा था।